जय श्री राम, जय माता दी। महाराज, अभी हमारे पास कुछ प्रश्न आए कि हवन महाराज कैसे करें। हवन करते हैं लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलता है, क्या कारण है महाराज जी? हवन तो हम बहुत करते हैं, कारण ये है कि हवन हम शुद्ध नहीं करते हैं। दुकान से सड़ा हुआ तिल, जौ, चावल खरीद लाते हैं और वही हम भगवान को समर्पित करते हैं। पैकेट वाला हवन सामग्री ले आए क्योंकि सस्ता पड़ता है, हवन कर दीजिए। लेकिन जब हम अपने लिए भोजन पवाते हैं, बनाते हैं, तो चावल को माताएं पहले धुलती हैं, धुलने के बाद फिर कुकर में डालती हैं। कुकर को 3 बार चक्कर देंगे, ख़राब तो नहीं, कुछ पड़ा तो नहीं है। फिर उसके बाद चूल्हे पर डालती हैं, फिर 2 दाना अग्नि को डालती हैं और कहती है, हे माँ अन्नपूर्णा, हमारे पति को, हमारे परिवार को सुख और समृद्धि देना, स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना। वही भोजन जब पुरुष पाता है या बच्चे पाते हैं तो उनकी बुद्धि, ज्ञान, चक्षु सबसे योग्य होता है और शक्तिशाली होते हैं। लेकिन वही माताएं जब भोजन को अभाव भाव से बनाती हैं, बिना मन का बनाती हैं, तो महाराज देख लीजिए कैसे घर में समस्या होती है। ऐसे भगवान को जब हम भोग पवाएं, जब भगवान को आहुति दें अग्नि में, तो आहुति का तात्पर्य वह शुद्ध चीज़ों का आहुति दें। कैसा? तिल खाने वाला खरीद कर लाइए दुकानदार से कि हमको खाने वाला तिल दीजिए। चेक कर लीजिए हाथ से और चेक करने के बाद में वो तिल लाइए, धुल लीजिए। धुलने के बाद में जौ भी लाइए, जौ को भी धुल लीजिए और जौ को धुलने के साथ में चावल भी धुल लीजिए। तो तिल 1 किलो लिया तो उसका आधा चावल होगा 1/2 किलो और 1/2 किलो का आधा होगा पाव भर जौ। ये तीनों धुल करके साफ सुथरा करने के बाद में सुखा लें। सुखाने के बाद में फिर 5 मेवा, उसके बाद में हवन सामग्री के साथ में सब मिला करके, जैसे कि गूगल है, कमलगट्टे का बीज है, धूप लकड़ी है और साथ में हमको कुछ गन्ने काट करके डालने चाहिए। गन्ना नहीं है तो गुड़ डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए। ये सब मिला करके सामग्री तैयार करने के बाद में घी मिलाने के साथ में फिर हम हवन के पास में जाएं, जब हवन कुंड हो उसको शुद्धिकरण जल से करें, फिर वेदिका बनाएं। वेदिका बनाने के बाद में फिर उसमें आम की लकड़ी का समिधा लगाएं, हो सके तो 1 टुकड़ा चंदन भी उसमें रखें जरूर। सब मिला करके तैयार करने के बाद में, निवृत्ति होने के बाद में 2 पात्र में जल लें और 1 सुरुआ ले लें और साथ में जब घी के लिए कटोरी ले लें, तांबे का या जो भी आपके पास उपलब्ध है सब ले करके, और पुस्तक आप स्वयं करना चाहते हैं पुस्तक ले लीजिए, और कोई आचार्य बुलाए तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो जो मंत्र पढ़ना है उस मंत्र से 1-1 आहुति डालना। आहुति कैसी होनी चाहिए? बाबा गोस्वामी ने बड़े प्रेम से कहा है कि भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है और प्रगटे अगिन चरु कर लीने। भक्ति सहित मुनि, भगवान को 1 आहुति दो लेकिन उसमें प्रेम हो, श्रद्धा हो, भावना हो और शुद्ध हो। जब वो आहुति आप डालोगे तो जीवन में आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे और माता रानी की ऐसी कृपा होगी कि जीवन में कोई दुख आने वाला है ही नहीं। प्रेम से आहुति डालो, भाव से आहुति डालो, ये नहीं कि पंडित जी को बुला लिए, बस स्वाहा स्वाहा कर दिए, थोड़ा गला डाल दिए, हवन हो गया। नहीं, नाम मत कीजिए, जो करना है वो सही ढंग से कीजिए, करके देखें, सफलता जरूर प्राप्त होगा। जय माता दी, जय श्याराम। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।